बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज तुंगनाथ महादेव मंदिर में जाके आरती हो रही है, आरती लेने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तुंगनाथ का व्यू कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा और सामने दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत की चोटी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट करते हैं एक नई लोकेशन से, और लोकेशन हमारे पास आज की गोपेश्वर है। जैसे कि देखा होगा आपने कि हमारा स्टे हुआ था गोपेश्वर, क्योंकि हम निकले थे कर्ण प्रयाग से, मतलब 3-4 बजे निकले थे, तो थोड़ा गोपेश्वर आते आते बारिश का मौसम था और रास्ता भी ख़राब था, तो हमारा स्टे यहीं गोपेश्वर में हो गया था। और आज का हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होगा हमारा चोपता से और तुंगनाथ के लिए। फिलहाल हम वहाँ भी रुके हैं गोपेश्वर में, और जैसे बाहर देख सकते हो आप लगातार कल रात से बारिश लगी है। जैसे मौसम अगर खुलता है या ना खुले मौसम और थोड़ा भी अगर बारिश कम होती है तो हम यहाँ से निकल लेंगे चोपता के लिए। तो गाइस फाइनली हमारा प्रोग्राम बन चुका है तुंगनाथ जाने का। एक बार हमारा प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग में कैंसिल होने वाला था क्योंकि इतनी तेज बारिश लगी थी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश लगी थी, और हमारा मतलब ये मान के चलिए कि प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल हो चुका था। लेकिन अब हम तैयार हो चुके हैं, मुँह हाथ धो के रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। और हमारा कांछा भाई भी ओके हो चुका है, नेपाल का राजा। और नेपाल भाई कैसे रहे महेंद्र भाई कल यात्रा? अरे बड़ी मस्त रही, टांग टूट गई थी। कांछा बहुत परेशान हो गया पीछे बैठ के, क्योंकि हैवी ड्राइवर आगे बैठ रखे हैं, तो कांछा बहुत परेशान हो रहा पीछे से। फाइनली बारिश लगी है कंटिन्यू, और मतलब मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं, और हम यहाँ से अब रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए चोपता जाने के लिए। और चोपता से तुंगनाथ का भी आज का मतलब चोपता से जो तुंगनाथ का ट्रैक है वो भी आज ही हम पूरा करेंगे। तो फाइनली हम ओके हो चुके हैं, बरसाती रेनकोट डाल दिया है और बाइक भी ओके साफ कर दी है, और निकलने की बिल्कुल तैयारी है। सो मिलते हैं आपको चोपता। तो गाइस फिलहाल हम मंडल पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं लगातार बारिश और बढ़ती जा रही है। लगभग 23 किलोमीटर हम चल चुके हैं और यहां से रह जाता है शायद ही 22 किलोमीटर रह गया आगे। और अगर बात करें मौसम की तो धीरे धीरे बारिश बंद हो रही है, अभी थोड़ा बारिश बंद हो रखी है, और बाकी हम तुंगनाथ के इन जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच अभी खड़े हो रखे हैं। से मात्र 5 किलोमीटर पीछे हम रुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चाय पीने के लिए हम रुके हैं, और ग्लव्स पूरे गीले हो गए थे, बाकी कपड़े तो कुछ नहीं हो रखे गीले, थोड़ा जूता हो रखे हैं और ग्लव्स पूरे गीले हो रखे हैं। यहाँ पे पीते हैं चाय और वापसी में यहाँ पे खाएंगे चाय सभात, कड़ी भात और सब्जी रखी है, हरी फ्रेश सब्जी, राय सब्जी। मैगी बन रखे गर्मा गर्म, और ऊपर से डलवा रखे हमने हरी सब्जी। थोड़ा मैगी खा के शरीर में एनर्जी जरूर आई है, क्योंकि ग्लव्स सारे गीले हो गए थे, तो यहाँ से ठंडा भी बढ़ चुका है, चुपता रह जाता है यहाँ से 5 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली हम चोपता पहुंच चुके हैं, और तुंगनाथ की जो पैदल यात्रा होती है चोपता से स्टार्ट होती है। बाकी आपको केदारनाथ की तरह घोड़े खच्चर सारे मिल जाएंगे यहीं पे, मतलब चोपता से मात्र 50 मीटर आते ही ऊपर आते ही आपको घोड़े खच्चर यहां से मिल सकते हैं। चोपता तुंगनाथ की इन हसीन वादियों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। सो गाइस जैसे कि 4 किलोमीटर चोपता से तुंगनाथ पड़ता है, तो 1 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ से मात्र रह जाता है 3 किलोमीटर। मौसम हो रखा बिल्कुल कड़ा, जैसे कि सुबह गोपेश्वर से निकले थे हम तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आते आते, बिल्कुल अभी मौसम क्लियर हो चुका है। गाइस जब केदारनाथ से ऊपर चढ़ते हैं, लिंचोली से ऊपर चढ़ते हैं, तो थोड़ा चढ़ाई आती है, और
तुंगनाथ के रास्ते में भी थोड़ा ये चढ़ाई यहाँ से लगती है। 1 किलोमीटर रास्ता बिल्कुल सही चलता है और 1 किलोमीटर बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली और हल्का हल्का फुल्का बारिश से एक बार फिर लगने लग गई है। सो गाइस फाइनली 3 किलोमीटर चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं और पहला हमारा ट्रैक होगा कि जहाँ पे हमने मतलब चाय पीने के लिए भी नहीं रुके एक जगह पे, क्योंकि चोकता में हमने लास्ट चाय पी थी और उसके बाद लगातार हम लगे हैं। तो 3 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ से रह जाता मात्र 1 किलोमीटर। और बात करें अगर मौसम की तो हल्का फुल्का बारिश लग गई एक बार फिर। महादेव में हम पहुँच चुके हैं और मात्र यहाँ से 50 मिनट दूर जाता है मंदिर और मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। बने रहे वीडियो में। थाली की प्रसाद हमारे ओके हो चुके हैं और यहाँ से हम थाली प्रसाद की थाली लेके जाएंगे। इसका पेमेंट वापस आके हैं। तो मंदिर के हम काफी नजदीक पहुँच चुके हैं और देख सकते हो आप मंदिर के लिए हमने थाली प्रसाद की ले ली है। गाइस तुंगनाथ का मंदिर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल, आप भी तुंगनाथ महादेव के दर्शन कीजिए और दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। तुंगनाथ महादेव का मंदिर बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर फ्रंट देख सकते हो आपको मंदिर, ये रहा तुंगनाथ का। थाली हम अपनी लेके आ चुके हैं मंदिर में और यहाँ करते हैं पूजा और फिर कराते हैं आपको पूरे दर्शन मंदिर के। गाइस मंदिर में भीड़ भड़ाका ज़्यादा है तो इसलिए अभी दरवाजे अंदर पूजा चल रही है, तो इसके बाद हमारा नंबर आने वाला है पूजा करने का। अंदर लग रहा भोले बाबा का भोग और सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें इसी समय भोले बाबा के दर्शन करने का। गाइस पिछले ब्लॉग में आपने केदारनाथ देखा होगा, तो केदारनाथ जैसे मंदिरों के अगल बगल पूजा की जाती है तो वैसे आप तुंगनाथ में भी पूजा बाहर पैक कर सकते हो अपनी स्पेशल अलग से पूजा। शिव का नंदी देख सकते हो आप, जहाँ जहाँ शिव मंदिर स्थापित होगा तो शिव मंदिर वहाँ अवश्य होगा, जैसे पिछले ब्लॉग में भी बताया था आपको केदारनाथ वाली ब्लॉग में। गाइस तुंगनाथ का फ्रंट व्यू देख सकते हो आप और यहाँ से पीछे जाने का जैसे देख सकते हो आप पूरा। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज तुंगनाथ महादेव मंदिर में जाके आरती हो रही है, आरती लेने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा। जो भोग अंदर चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को वही भोग अब हमें मिलने वाला है। देख सकते हो आप पंडित जी द्वारा यहाँ पे सभी भक्तजनों को आरती दी जा रही है, प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य पंडित जी प्रसाद सौभाग्य प्रसाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के बिल्कुल पीछे देख सकते हो आप उद्दत कुंड। तो गाइस दिन के 1:30 बज चुके हैं और आज बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ भोले बाबा के दर्शन करने के, तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के। और साथ ही साथ भोले बाबा ने बहुत परीक्षाएं हमारी सुबह से ली। जब हम गोपेश्वर से निकले तो हमारा एक बार प्लान पूरा कैंसिल हो चुका था, हम यहाँ से वापस जाने वाले थे, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की और उसी बारिश में हम चोपता तक पहुँचे। चोपता से जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर लगे तो मौसम धीरे धीरे क्लियर हुआ और अभी देख सकते हो आप बिल्कुल धूप लग चुकी है मंदिर में। और मंदिर में इतने VIP दर्शन हुए क्या ही बता सकते हैं आप, वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो आप। तुंगनाथ का व्यू कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा और सामने दिखाई दे रहा हिमालय पर्वत की चोटियां दिखाई दे रही और अभी चल रही इधर बर्फीली बर्फीली हवाएं, बिल्कुल ठंडा हो रखा है मौसम और बादल देख सकते हो आप कितने हाइट तक आ रखे हैं।
फाइनली अब यहाँ से निकलने की आती है हमारी बारी और अब निकलते हैं। मौसम भी बड़ा मस्त हो चुका है, धूप लग चुकी है और बादल देख सकते हो आप किस प्रकार लगे हैं। तुंगनाथ से चोपता के लिए हो रही हमारी फिलहाल अभी वापसी। बात करें अगर चोपता की तो मिनी शिमला देख सकते हो आप चोपता, ऐसा लगता है दूर से देखने में। तो गाइस फाइनली हम वापस चोपता पहुंच चुके हैं और जो हमारा आज का ट्रैक रहा बहुत फास्ट ट्रैक रहा, जल्दी गए और जल्दी मंदिर के दर्शन हुए और वापसी हमारी हो चुकी है और बाइक कर रही है हमारा इंतजार चोपता में। सो गाइस फाइनली हम मंडल पहुंच चुके हैं और एक बार फिर बारिश लग गई बहुत तेज की, तो यहाँ पे हम रुके हैं, रेनकोट वगैरह पहनेंगे और बाकी मैगी बोल रखे हैं, ऑर्डर कर रखा है और इस ब्लॉग को यहीं पैक करते हैं एंड, क्योंकि अब कैमरा पैक करते हैं हम और सीधे निकलते हैं करंट पैक के लिए। आई होप वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।